नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड पर जो ये वीडियो है ये हमारा कोई अभियान नहीं है, लेकिन जहाँ भी इस तरह की गंदगी दिखते हैं, प्लास्टिक्स दिखते हैं और प्लास्टिक की बोतलें दिखती हैं, तो हम अपने आप शुरू हो जाते हैं। जहन में एक सवाल आता है कि प्रकृति इतनी सुंदर है तो क्यों इसका नाश करें हम। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है हम शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में है। हम 6 लोग एक यात्रा पर निकले थे केदारनाथ के लिए, और बीच में चोपता से जब हम तुंगनाथ और उसके बाद चंद्रशिला की तरफ जा रहे थे, तो मैं, राजेंद्र सिंह नेगी जी, ब्रिजलाल जी, माधव, सौरव सकलानी और आशुतोष पांडे, हम लोग जब जा रहे थे तो हमें देखा रास्ते में बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम अपना रोल जो हम कर सकते हैं जितना वो कर लें। माधव ने इनिशिएटिव लिया और फिर वहाँ से एक बोरी उठाई हमने, और नीचे को आते वक्त हमने प्लास्टिक्स भरे उसमें, सब वहाँ से जितना भी बॉटल्स गिरी थी। हम ऑफ रोड गए, यानी कि जो रोड थी, जो ट्रैक था, वो उससे थोड़ा सा हटके गए तो देखा बहुत सारी बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स और जो रैपर्स हैं वो पड़े हुए हैं नमकीन के, चिप्स के। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से, जो भी वहाँ यात्रा पर जाएं या आप कहीं भी जाएं, सिर्फ वहीं क्यों, कहीं भी जाएं, बहुत सुंदर है प्रकृति, इसे नुकसान ना पहुँचाएँ। और जितने भी खासकर प्लास्टिक्स और जितने भी जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हों या चिप्स के रैपर्स हों या चॉकलेट्स, खाइए, आप पूरा आनंद लीजिए प्रकृति के साथ में भोजन करने का। लेकिन प्लीज़ 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 वो जो कचरा है वो अपने बैग में वापस रख लें, रैपर वापस रख लें, ताकि सही जगह पर जहाँ डस्टबिन रखी हो उसमें उसे डिस्पोज कर दें। सिर्फ इतना ही तो काम करना है। तो क्यों ना जो अभियान से ज़्यादा हम इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि कहीं पर भी हो हम सफाई रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने अपने जैसा किया, अगर आप अपना जैसा करेंगे तो शायद बहुत बड़े अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम अपनी प्रकृति को सहयोग कर सकते हैं, प्रकृति को सुंदर रखने में और स्वच्छ रखने में सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं आप लोग, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिए। तो स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, रखिए, सुंदर है प्रकृति, से बचा कर रखिए। स्वच्छ भारत अभियान, लो जी। रुक जा, रुक जा, चलोगे, रुको, सब चलोगे। सफाई अभियान करते हुए हमारे देहरादून के नौजवान, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग सुधरेंगे और पहाड़ अच्छी जगह पे आके कबाड़ नहीं करेंगे, अपने पढ़ लिख के गंवारों वाली हरकतें ना करें। ये वीडियो लॉन्च होगी है, पहाड़ क्या, कहीं भी कबाड़ ना करें, स्पेशली डस्टबिन बने हैं, डस्टबिनों में कबाड़ डालें। 2019 की लेटेस्ट वीडियो कबाड़ उठाते हुए माधव, नहीं तो स्कूल जाने वाले एक उस 6 साल के बच्चे से सीखूं जो टॉफी खाता है और उसके बाद रैपर अपने बैग में डालता है, घर आके निकालता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा भाई जी? बड़े स्लो मोशन में आते हुए हमारे, मैं देखते आ रहा हूं कबाड़। वेरी गुड, कोई छूट ना जाए तो उसमें डाल दूंगा उसमें। ओके, हाँ जरूर। इतनी दूर से क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं ना जब आप अच्छे काम करते हैं, यानी कि जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग जुड़ते ही चले जाते हैं। हम एक गैंग में थे, भाई जी हमारे साथ आए, ये देखिए कैंप चलाते हैं और ट्रैकिंग का भी चलाते हैं, पीछे भाई जी हैं, तो ये भी हमारे साथ जुड़ लिए, जा सकते थे रास्ते से। तो यही होता है कि जब एक साथ कुछ अच्छा काम चल रहा होता है लोग जुड़ जाते हैं। बीएल सर क्लोज, वेट, यस, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहीं आपको बोतल ले जाओ। जब हम जा रहे थे ऊपर तो हमने देखा बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है, क्योंकि रास्ते में यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, जो शायद एक कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सी कमी है। तो हमने चाहा क्यों ना, अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो हमने दुकान वालों से कट्टा, आप देख सकते हैं माधव नोटियाल जी के हाथ में, इस कट्टे को
इस कट्टे को लेके जितना हमसे हो सकता है उतना हम सहयोग करें, और हमने सारी बोतलें जो है कट्टे में भर के भरनी चाहिए। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किनके बारे में? जो ये कबाड़ फेंकते हैं सर। देखिए, लोगों के बारे में क्या कहना, हम जितना अपने से हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। फिर भी उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? दूसरा, अगर हमें देखकर उनको अच्छा लगता है, सीख सके तो सीख ले। मैसेज लोगों के लिए कि देश अपना है, जिस तरह हम दुनिया घूमने आते हैं, हम बोलते हैं कितनी सफाई है, ये अच्छा है, हमारा भारत भी वैसा ही है, लेकिन हम उसे उस तरह रखें। तब हम जगह जा रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, कोई गोल्डन की पर्ची फेंक रहा है, कोई दारू की बोतल फेंक रहा है, ऐसे तो ये ठीक नहीं है। ओके, धन्यवाद सर। मेरा ये मैसेज है, ये देश आपका है ना कि मेरा है, हम सबका है, तो हम सबको इसकी रक्षा करनी है। ओके।